सब्सक्राइब करें ब्रांडेड शहजाद यूट्यूब चैनल को और दबाएं इस बेल के बटन को ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख सकें। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट के दौरान बैटिंग की खराब कारकर्दगी के बाद मिकी ऑर्थर ने कप्तान सरफराज अहमद, असद शफीक और अजहर अली के साथ गैर इखलाकी रवैया अख्तियार किया। ये वाकया उस वक्त पेश आया जब पीसीबी चेयरमैन एहसान मानी भी जनूबी अफ्रीका में हैं। लड़ाई का मामला संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गया है। सेंचुरियन टेस्ट में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के सीनियर बैट्समैनों की बदतरीन कारकर्दगी के बाद पाकिस्तानी टीम के हेड कोच मिकी आर्थर जज्बात पर काबू ना पा सके। कप्तान सरफराज अहमद समेत सीनियर बैट्समैनों से झड़प हुई जिसके बाद मामला गाली गलोचों तक पहुंच गया। मिकी आर्थर इस कदर गुस्से में थे कि उन्होंने तमाम अखलाकी हदूद पार कर दी और ड्रेसिंग रूम में चीजें उठाकर फेंक दी। एनी शाहिदीन का कहना है कि सरफराज अहमद के कप्तान बनने के बाद उनकी सरफराज अहमद के साथ पहली बराह रास्त झड़प है। जिम्मेदार ज़रा के मुताबिक दूसरे दिन के खेल के इख्तिताम पर जब पाकिस्तान टीम ड्रेसिंग रूम में आई तो मिकी आर्थर ने सरफराज अहमद, असद शफीक और अजहर अली को नाकामी का जिम्मेदार करार देकर खरी खरी सुना दी। इस दौरान खिलाड़ियों की जानिब से भी जवाबी रद्द अमल देखने में आया। ज़राए का कहना है कि मिकी आर्थर ने खिलाड़ियों से कहा कि वो जानबूझकर गलत शॉट्स खेलकर आउट हुए हैं। खिलाड़ियों ने अपनी गलती मान ली लेकिन मिकी आर्थर इखलाकी हदूद अबूर करके गालियां गलौज पर उतर आए। उन्होंने खिलाड़ियों के साथ सख्त रवैया इख्तियार किया। ज़राए का बताना है कि पाकिस्तानी टीम का हेड कोच बनने के बाद मिकी आर्थर की इंजमामुल हक के बाद कप्तान सरफराज अहमद और सीनियर बैट्समैनों के साथ पहली बराह रास्त झड़प है। मैच के दूसरे दिन सरफराज अहमद और अजहर अली 0 और असद शफीक 6 रन बनाकर आउट हुए थे। मिकी आर्थर की खिलाड़ियों के साथ लड़ाई की कहानियां पुरानी हैं। इससे कबल वो ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका के खिलाड़ियों के साथ भी झगड़ा करके कोचिंग से महरूम हो चुके हैं। अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में करें। अगर आपको हमारी वीडियोज अच्छी लगें तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएँ।